welcome to the perfect class. I am taking a trigonometry exercise 8.3 का question number 5 से. यार perfect class हाँ 10th maths NCERT का chapter है. और trigonometry exercise 8.3. इसका first वाला question है. तो यहाँ पर हमें दे रहा है sine 60 degree, cos 30 degree plus sine 60 degree और cos 30 degree. अब यहाँ पर point है तो ये multiply है. ये multiply है यहाँ पर. तो सबसे पहले इसे formula लिखेंगे. साइन 60 डिग्री और इसी वाले अंडर रूट 3 अपॉन 2 इसी का कोस कर देंगे. कोस 30 इसी वाले अंडर रूट 3 अपॉन 2 इसका भी यही फॉर्मूला है. इसके बाद साइन 30 डिग्री इसी वाले 1 अपॉन 2 इसका फॉर्मूला है साइन 30 बराबर 1/2 और लास्ट में कोस 60 कोस 60 बराबर 1/2. तो ये हमने सबसे पहले इसे फॉर्मूला लिख लिए. ये फॉर्मूला आपको किताब में मिल जाएंगे किताब चैप्टर में 8.3 में. अब यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई देना पड़ेगा. साइन 60 मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई कोस 60. अब इसकी वैल्यू रखना है. अब साइन 60 डिग्री है तो उसकी वैल्यू है अंडर रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कोस 30. कोस 30 की वैल्यू है अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस अब यहाँ साइन 30 है. साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60 के 1/2 कोस 60 1/2 इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में करेंगे तो यह जाएगा अंडर रूट 9. 2 2 4 हो जाएगा प्लस 1 के 1 में करेंगे 1. 2 2 4 अभी अंडर रूट को सॉल्व करना है. अंडर रूट 9 है तो अंडर रूट 9 को सॉल्व करेंगे. अब 3 के टेबल में आता है 9. 3 3 9 3 1 3 यहाँ पर आ रहा है अंडर रूट 9 इक्वल टू 3. अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3. यहाँ आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 दोनों के डिनोमिनेटर बराबर है दोनों के हर बराबर है तो हम दोनों प्लस कर सकते हैं. तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा 4. 3 और 1 4 4/4 तो यहाँ आंसर आ रहा है इसका 4 1 4 आंसर आ रहा है 1. तो ये हमारा आंसर आ गया. इसकी वैल्यू आ गया डायरेक्ट इसका मान हमने निकाल दिया है 1. ये आंसर आ चुका है. अगर हमारा और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपके कोई भी कमेंट्स या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं.